Good afternoon friends. This video I'm recording at very important timing. We all are looking for extension of due date for filing GSTR 9 and 9C for financial year 2019-20, which is 28th February 2021. Recently, Bombay High Court has declined for accepting extension of due date. फाइलिंग जी एस टी आर नाइन एन नाइन सी फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर एट द मोमेंट वी ऑल एज ए प्रोफेशनल एंड एज ए टैक्स पेयर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट माई फर्स्ट हम्बल समीशन आप सभी से ये होगी यस ट्वेंटी एथ फेब्री लास्ट डेट है

मैं भी अपने सभी साथियों से टैक्स पेयर हैं टैक्स कंसल्टेंट हैं उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यस अगर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है और अभी तक कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं दिख रहा कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी तो मेरी सबमिशन आपसे यह होगी देखिए लेट फीस और पेनाल्टी जो लग सकती है अंडर सेक्शन 47 सीजीएसटी एक्ट विच इज टू हंड्रेड रुपीज पर डे सी जी एस टी एक्ट हंड्रेड रुपीज एस जीएसटी एक्ट हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ क्वार्टर परसेंट ऑफ द टर्न ओवर इन दट रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी अगर अट्ठाईस फरवरी के बाद भी आपने जीएसटी आर नाइन और नाइन सी भरा और डिले अगर आपकी पांच दिन का है तो मैक्सिमम लेट फीस अगर आपके ऊपर लगनी है और पेनाल्टी लगनी है तो एक हजार रुपए की लगेगी इतना हेक्टिक क्यों होना है जान है तो जहान है पर इस बात से मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि गवर्नमेंट को हमारी बात नहीं सुननी चाहिए मैं पहले आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप पैनिक मत होइए आप अपने आप को यस लेट फीस लगेगी अगर कोई क्लाइंट हमारे पास लेट डेटा लेके आया है या बिकॉज ऑफ कोविड ऐसी क्राइसिस सिचुएशन रही है कि हम तैयारी नहीं कर पाए लेट फीस थाउजेंड रुपीज पांच दिन का डिले एटलीस्ट हम इस इस सिचुएशन को बड़े ईच बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं वाई टू पैनिक बट मेरी सबमिशन अगर मेरा यह वीडियो गवर्नमेंट अथॉरिटी देख रही है कल ही मैंने देखा कि बिबास से बिस्वास स्कीम की डेट एक्सटेंड 31 मार्च 2021 कर दी गई मैं ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोविड 19 की सिचुएशन जो मार्च में स्टार्ट हुई मार्च 2020 लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और अभी भी ऑपरेशन नॉर्मलाइज हो रहा है पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुआ हमें कुछ रिलैक्सेशन लिबरलाइजेशन जरूर करनी चाहिए आप ड्यू डेट एक्सटेंड मत कीजिए लेट इट बी ट्वेंटी एथ 2021। पर आप बेवर ऑफ लेट फीस और पेनाल्टी तो आप कर सकते हैं सेक्शन 128 ट्वेंटी एट ऑफ सी जी एस टी एक्ट परमिट करता है बिंग गवर्नमेंट यू कैन नोटिफाई वेवर ऑफ लेट फीस और आपने की थी कोविड नाइनटीन जब आया था और लॉकडाउन हुआ था तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए जो लेट फीस लगती थी डिलेड फाइलिंग के लिए आपने वेव की थी अंडर सेक्शन 128। आप एक महीने का टाइम दे दीजिए टिल 31 मार्च 2021, वेवर ऑफ लेट फीस जो परमिटेड है और आप कर सकते हैं आपके हाथ में है मैं ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं करता ओनली वेवर ऑफ लेट फीस एक चीज और मैं कहना चाहूंगा हमें वेवर ऑफ लेट फीस इसलिए भी करनी चाहिए कि ड्यू डेट अगर एक्सटेंड होती है तो उसके रिपकेशन है जीएसटी लॉ में सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस सेक्शन 74 फ्रॉड केसेस जो इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस और ऑर्डर हैं, उनकी टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाती है विच इज थ्री ईयर्स

My humble submission to the honourable finance minister CBIC would be kindly allow one month relaxation, liberalization, waiver of late fees that will help trade industry and commerce comes forward. And really this help is giving handholding because we all are just surviving and coming to the normal sea after COVID-19 time period. Maybe this relaxation will give ease to the business, relaxation in the mind of taxpayer, and we can always walk on the talk of Honorable Prime Minister, Jaan to Jahan my humble request once again for only one month, till 31st March 2021. 20, waiver of late fees for filing GSTR 9 नाइन सी फॉर फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी दोस्तों अपना ख्याल रखें मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट की ये वीडियो हम जितना हो सके गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें और एक बार फिर कोशिश करें कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और ये जो वेवर मैं चाह रहा हूं जो अंडर सेक्शन 128 ट्वेंटी एट परमिसेब जैसा उनने कोविड नाइनटीन के टाइम पीरियड में किया था इस बार भी एक्सटेंड करें लिबरलाइज करें हैंड होल्डिंग करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें जान है तो जहान है आप अपना ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच